हुआ था डॉक्टर साहब? तबीयत तो ठीक से ना? पठान की शूटिंग क्या होने वाली है, पठान की खास बातें और कैसे जॉन ने क्रिटिक्स पर जमकर गुस्सा निकाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। अभिनेता जॉन अब्राहम को लेकर मशहूर है कि वो अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी बातें भी काफी बेबाकी से रखते हैं। कई बार उनको फिल्मों और क्रिटिक्स को लेकर बोलते देखा गया है। इस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सत्यमेव जयते को लेकर उन्होंने बात की और आप जानते हैं इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। जो क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने मिक्स रिव्यूज दिए थे। इस बात पर जॉन ने कहा है कि सत्यमेव जयते एक स्मार्ट फिल्म थी, मुझे उन क्रिटिक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता जिनको ये फिल्म पसंद नहीं आई, क्योंकि ये जो क्रिटिक्स है वो हमें रोटी नहीं खिलाते और वैसे भी ये रिव्यू मैं ध्यान नहीं देता और ये मजाक बनकर रह गए हैं। तो बहुत बड़ी बात बोली है कि क्रिटिक्स हमें रोटी नहीं खिलाते, जॉन ने ऐसा कहा और ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। वहीं फैन फॉलोइंग के मामले में काफी शानदार इनकी फैन फॉलोइंग, सोशल मीडिया पर इनको जमकर प्यार मिलता है। वर्क फ्रेंड की बात करें तो इस समय वो सत्यमेव जयते 2 की तैयारी तो कर ही रहे, लेकिन पठान को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि शाहरुख खान के अपोजिट नजर आने वाले हैं। दमदार फाइट इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है उनकी और इसमें विलन होने वाले हैं। वहीं पठान के बारे में बात करें तो सलमान खान की भी इसमें धमाकेदार एंट्री रखी गई है, कैमियो होने वाला है और दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में होने वाली है। तो दोस्तों, आप जॉन की बातों से कितने सहमत है जरूर बताइएगा। वहीं आपको एक और चीज बता दूं, सत्यमेव जयते 2 जो है वो ईद के मौके पर रिलीज होनी है और उसी टाइम राधे भी रिलीज होने वाली है, यानी कि दो बड़ी फिल्मों का क्लैश आपको देखने को मिल सकता है। एक तरफ सलमान खान तो दूसरी तरफ होंगे हमारे जॉन। तो अगर इनका क्लैश होता है तो आपको क्या लगता है कौन आगे निकल जाएगा और कितना वेट हो रहा है आपको पठान का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, फिल्मों की तैयारी की किसी भी खबर के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।